नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी ने एक और राज्य में भगवा लहरा दिया है और ये एक और राज्य अब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दूं कि लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बिहार हो और चाहे असम, लेकिन अब बीजेपी ने एक और राज्य में जीत का परचम लहरा दिया है। वो राज्य कौन सा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मित्रों, जय श्री राम जरूर लिखें अगर आप बीजेपी की जीत से खुश हैं। तो आपको बता दूं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह अब भगवा छाता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करिश्माई नेतृत्व में सफलता की नित नई कहानियां लिख रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में बीजेपी ने बिहार, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जीत का परचम लहराया था और इसके बाद पूर्वोत्तर में भी बीजेपी का भगवा लहरा गया और बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन अब आपको बता दूं कि गोवा में भी सत्ताधारी बीजेपी ने जिला पंचायत चुनावों में 49 में से 32 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई हैं। आपको बता दूं कि राज्य में 48 जिला पंचायत क्षेत्रों में 50 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण चुनाव नहीं हुआ था। इन सीटों के लिए आपको बता दूं कि 12 दिसंबर को मतदान हुआ था, इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं और 49 में से 32 सीटों पर बीजेपी विजयी रही है। आपको बता दूं कि 7 सीटों पर निर्दलीय विजय रहे, कांग्रेस के खाते में 4, एमजीपी के हिस्से में 3 सीटें आईं, जबकि जो शरद पवार की पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को एक एक सीट मिली है। तो आम आदमी पार्टी गोवा में एक सीट से खुश है। खैर, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो है लेकिन एक सीट से घुसे। उधर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां कह रही है कि गोवा में हम अगली सरकार बनाएंगे, गोवा विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे, तो कांग्रेस के खाते में महज 4 सीटें आई। दरअसल ये चीजें बताती हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा अब पूरे देश से साफ होता जा रहा है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस खुद अपनी वजह से मर रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि असम में, जो मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, अपने नए सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन यानी UPPL के साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बागडोर थामने को तैयार है। और BTC इलेक्शंस में आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस का एक प्रत्याशी भी जो जीता हुआ जो बंदा था वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गया है। यानी कांग्रेस के हाथ में पूर्वोत्तर में कुछ नहीं रह गया, सूपड़ा साफ हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर गोवा की बात करूं तो गोवा में भी 4 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है, जबकि 32 सीटें सीधे सीधे आपको बता दूं कि बीजेपी को मिली है। इस पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जीत के बाद राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि लोगों ने हम पर विश्वास जताया। वहीं राज्य के भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने कई आंदोलनों की चर्चा करते हुए कहा कि जिन NGO और राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये प्रोटेस्ट शुरू किए गए थे, उनका मकसद सरकार को बदनाम करना था और ये नतीजे उन सभी के मुंह पर तमाचे हैं और भाजपा की सराहना का प्रमाण है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने इस जीत को किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाओं और युवाओं का PM नरेंद्र मोदी और CM प्रमोद सावंत के नेतृत्व के प्रति विश्वास बताया है। अब आप देखिए कि ये भाजपा जिला पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी को ये जीत मिली है। जिला पंचायत चुनावों में अधिकतर जो वोट डालने वाले जो लोग होते हैं वो किसान होते हैं। एक तरफ आप सुन रहे हैं कि किसान आंदोलन लगातार जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी को जीत पर जीत मिलती जा रही है। चाहे वो मैं बिहार की बात करूं, चाहे वो उसके बाद आपको बता दूं कि हैदराबाद की बात करूं या राजस्थान के जिला पंचायत चुनावों की बात भी मैं करूं, अगर नगर निकाय चुनावों की, तो वहां भी बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद अब गोवा में जिला पंचायत चुनावों में, तो फिर जो किसान आंदोलन है ये दरअसल है क्या? क्या सिर्फ एक ही राज्य के किसानों को दिक्कत है? हरियाणा के किसान सपोर्ट कर रहे हैं, UP के किसान सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम किसानों के जो संगठन हैं वो लगातार नरेंद्र सिंह तोमर से मिल रहे हैं, कृषि मंत्री से मिल रहे हैं और वो लगातार जो कृषि कानून बनाए गए हैं तीनों, उन पर भी वो अपनी मोहर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत सही कृषि कानून है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो साजिशन विरोध किया जा रहा है और विरोध भी इस वजह से है मित्रों, क्योंकि पंजाब में अगले साल इलेक्शन है और इन इलेक्शन पर सभी की निगाहें हैं। आंदोलन की राह पर चलकर ये सियासी फसल काटना चाहते हैं और यही वजह है कि ये आंदोलन किया जा रहा है। और आंदोलन भी आप ठीक है, आंदोलन कर दें, आपका हक है, ये आपका हक है, लोकतंत्र में हक है आप विरोध करें, लेकिन विरोध स्वरूप आप अपनी मांगों पर अड़ जाएं कि नहीं, जब तक कृषि कानून आप वापस नहीं लेंगे हम नहीं हटेंगे, आप दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो सरकार 100 दिनों के शाहीन बाग पर नहीं हिली अपने स्टैंड से,
जिसने अपना स्टैंड 100 दिनों के शाहीन बाग पर अपना स्टैंड नहीं बदला, क्या वो अब इस पर स्टैंड बदल देगी। दूसरी चीज आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है, उस पर भी मैं खबर आप तक लेकर आऊंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि गोवा के नतीजों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी आया है और उन्होंने खुशी जाहिर की है। नड्डा ने कहा कि गोवा में बीजेपी की जीत किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की नीतियों पर भरोसा दिखाती है। आपको बता दूं कि भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर इस जीत के लिए गोवा के लोगों को धन्यवाद दिया गया और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को गोवा वासियों का शुभचिंतक बनाया। वहीं गोवा में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। गोवा में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गिरीश चोंडाकर, उन्होंने कहा कि हम नतीजों पर गहन विश्लेषण करेंगे। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उनकी पार्टी लोगों को विश्वास दिलाने में असमर्थ रही कि वो बदल रहे हैं। उन्हें यानी जनता को पार्टी के कांग्रेस के पुराने विधायकों को देखकर लगा कि यदि वो कांग्रेस को वोट देंगे तो वो भी भाजपा को जाएगा और हम जनता के मन में संदेह मिटाने में असफल हुए हैं। ये कांग्रेस का बयान है। आपको बता दूं कि गोवा के जिला पंचायत चुनावों के लिए 12 दिसंबर को बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुआ था, यानी अब ये ईवीएम को दोष भी नहीं दे सकते। देखिए बैलेट के जरिए मतदान हुआ है, पहले जो कहते थे कि भाई ने ईवीएम में मोदी गड़बड़ी कर देता है, तो अब तो बैलेट से इलेक्शन हो रहे हैं, बैलेट में भी तुम तो हार रहे हो। आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एसईसी को बताया था कि राज्य में 56.82% मतदान हुआ था, तकरीबन 8 लाख मतदाताओं में से 4.5 लाख वोट पड़े थे और 56.82% मतदान हुआ था। आपको बता दूं कि गोवा जिला पंचायत चुनाव 2020 मार्च में भारत में कोरोना वायरस महामारी के शुरुआत के बाद से राज्य में होने वाला पहला चुनाव था और इसे सभी कोरोना प्रोटोकॉल के बीच आयोजित किया गया और एसईसी ने संक्रमित लोगों को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। इन चुनावों के नतीजे आने के बाद मीडिया गिरोह के लोग भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस बीच मेरी एक निगाह पड़ी राजदीप सरदेसाई पर। राजदीप सरदेसाई ने इसी क्रम में गोवा के नतीजों को आंकड़ों के साथ पेश करते हुए बताया कि जैसे रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से विपक्ष एकजुट होकर ही साल 2022 में भाजपा को हरा सकता है। ये राजदीप सरदेसाई, ये एक पत्रकार का बयान है, आप समझ सकते हैं, जो पत्रकार कह रहा है कि नहीं भाई विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए तभी आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। अब ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, मान लो इनका जो जर्नलिज्म है वो तो है लेकिन हमारा ये गोदी मीडिया कर देते हैं कि नहीं जो दूसरा मीडिया है वो गोदी मीडिया है और इनका जर्नलिज्म है और ये जर्नलिज्म ऐसा है जिसमें ये कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। अगर बीजेपी को 2022 में हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। ताज्जुब की बात यह है कि एक वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, एक वरिष्ठ चैनल के पत्रकार माने जाते हैं और कई दफा, आप पहली दफा नहीं है, कई दफा आपने देखा होगा कि बीजेपी की जीत से ज्यादा जब दूसरे दलों की जीत होती है तो ये फ्लोर पर ही नाचने लग जाते हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। हालांकि कह रहे हैं कि अब विपक्ष को एकजुट होना होगा, लेकिन क्या विपक्ष एकजुट होकर भी मुकाबला कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस का जिस तरीके से सूपड़ा साफ हो रहा है, आने वाले दिनों में आप कांग्रेस को कहां देखते हैं वो मुझे बताइएगा। साथ ही साथ खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।